हेलो दोस्तों, आज हमारे एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 है। द बेस ऑफ एन आइसोसेल ट्रायंगल्स इज 4/3 सेंटीमीटर एंड द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज 4/15 सेंटीमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड। पहले आपको समझना पड़ेगा आइसोसेल ट्रायंगल क्या होता है जिसके टू साइड इक्वल होती है। जैसे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये साइड इसकी क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये क्या है, एसोसिएट ट्रायंगल। बेस हमें ऑलरेडी दे रखा कितना, 4/3, और पैरामीटर दे रखा, पैरामीटर कितना दे रखा हमें, पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल दे रखा कितना, 4/15। तो पैरामीटर का मतलब होता है कि थ्री साइड को प्लस करके जो आता है, थ्री साइड को हम जो प्लस करेंगे उसको कहते हैं पैरामीटर। ठीक है, अब ये टू साइड इक्वल है, ये दे नहीं रखी, ये हमें निकालनी, तो ये क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी, ये भी एक्स हो जाएगी। ठीक है, ये एक्स एक्स और ये फोर। तो अब हमें निकालना पैरामीटर, अब हमें ये साइड निकालनी कितनी होगी, तो हमें पैरामीटर, तो हमें पता होना चाहिए पैरामीटर ऑफ द ट्रायंगल क्या होता, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए प्लस बी प्लस सी। ए का मतलब ये वाली साइड मैंने ए ली, ये वाली साइड क्या ली, बी ली, और ये क्या ली, सी ली, मतलब ये पूरी प्लस ये तीनों साइड का प्लस। अब पैरामीटर तो हमें दे रखा कितना दे रखा, 4/15 दे रखा, और अब टू साइड हमें पता नहीं एक्स, ये भी एक्स ले रखी, और ये दे रखी हमें 4/3। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, 15 4 60 62/15। ओके, और ये हो जाएगा 2x + 4/3। अब ये 2x इधर ले आएंगे, 62/15 - 4/3 = 2x। ओके, अब यहाँ देखो, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, डिनोमिनेटर हमें सेम करने पड़ेंगे। एलसीएम देखो, ये 3 है, ये 15 है, तो 15 बड़ी वाली डिजिट है, 3 की टेबल 15 में जाती है, तो जाती है, तो हमारा एलसीएम सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, आप निकाल भी दे सकते हैं, ये 3 1 3 3 5 15, और 5 1 5 3 5 15 एलसीएम। ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ मैं, हमारा कितना आएगा, 15। ठीक है, अब इस 15 से पहले वाला फ्रैक्शन 15 से इसको क्या करना, डिवाइड करना, 15 1 15। अगर मैं 15 का डिवाइड करूँ 15 से तो कितने जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 15 1 15 1, और इनटू करना 62 को, ये वाला न्यूमिनेटर को, फिर माइनस का साइन है, माइनस का, ये 3 का अगर डिवाइड करेंगे कितने टाइम जाएगा, 5 टाइम, 3 5 15 4, और यहाँ और का 2x। ठीक है, ये 62, क्योंकि 62 1 62, और 5 4 से कितना होता, 20/15 2x। ठीक है, अब देखो 62 में से 20 आएगा, 42 बचेगा, 42/15 = 2x। इसके लिए 1 रखा था फ्रैक्शन, इसको यहाँ, इसको यहाँ, हम 1 रख सकते हैं, उसमें हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो 42 या 30x, अब ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, ये आ जाएगा 30, तो x इक्वल टू, ये 30 हमने निकाल लिया नीचे। अब देखो 6 से कटा, 6 7 42, और 6 5 30, और x इक्वल टू हमारा कितना, 7/5 आ गया, कितना आ गया, 7/5, इक्वल साइड हमारे क्या आएगी, 7/5। अगर इसको मिक्स में करना तो 5 और 7 5 1 5, कितना बचा, 2। तो हम मिक्स में कैसे लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिखता, ये 5 तो नीचे आ जाएगा, ये रिमाइंडर ऊपर जाता है, ये यहाँ, ये हमारा मिक्स में हो गया, ये इक्वल साइड्स हो गई। ओके,